हेलो एवरीवन दिस इज मुस्कान जैन एंड वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल मैग्नेट ब्रेन जो आपको प्रोवाइड करता है क्वालिटी एजुकेशन वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट जी हाँ किंडर से लेकर क्लास ट्वेल्थ तक हर क्लास हर सब्जेक्ट के कंप्लीट कोर्सेज यहां पर अवेलेबल हैं फ्री ऑफ कॉस्ट चाहे वो आपका सी बोर्ड हो चाहे एम बोर्ड हो चाहे यूपी बोर्ड हो हर एक चैप्टर की हर एक टॉपिक की प्रिपरेशन यहां पर आप कर सकते हो किसी भी टॉपिक को सर्च करोगे सब के कंप्लीट एक्सप्लेनेशंस आपको यहां मिल जाएंगे विद प्रैक्टिस क्वेश्चन आल्सो ओके ये सारा का सारा मटेरियल फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है आप चाहे तो अभी के अभी जाकर सब कुछ चेक कर सकते हैं एंड अगर आप चाहते हैं ई बुक्स एंड ई नोट्स को अवेल करना तो उसके लिए भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है वहां से आपको इन सब चीजों के लिए भी अवेलेबिलिटी मिलेगी और आप चाहो तो सीबीएसई सैंपल पेपर्स सकते हो ओके okay? चलिए स्टार्ट करेंगे आज के को. आज का देखा तो आज प्रैक्टिस सेशन है आज हम क्या करने वाले हैं बॉडी फ्लूड्स एंड सर्कुलेशन की रिमेनिंग एनसीआर टी एक्सरसाइजेस को इससे पहले हम पार्ट वन के अंदर फिफ्टी परसेंट एनसीआर सोल्यूशन को कर चुके हैं आज रिमेनिंग पार्ट टू हमें करना है स चैप्टर का बॉडी फ्लूड एंड सर्कुलेशन का देखो 50 परसेंट क्वेश्चन हमने वहां पर सॉल्व किए थे और उनके सोल्यूशन को आंसर को प्रॉपरली देखा था कि किन कॉन्सेप्ट से किस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया है बस वैसे ही आज आपको देखना है रिमेनिंग क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है और क्या उनके सोल्यूशन बनते हैं चलो स्टार्ट करते हैं लेक्चर को इससे पहले कि मैं डूब जाऊं क्वेश्चंस और उनके आंसर में आपको क्या करना है आपको कर देना है सेशन को लाइक एंड शेयर फटाफट से शेयर कर दो भाई चलो स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर एट से एक्सरसाइजेस आज स्टार्ट हो रही है डिस्क्राइब द इवोल्यूशनरी चेंज इन द पैटर्न ऑफ हार्ट अमंग दर्टिब्रेट्स वर्टिब्रेट्स के अंदर हार्ट के पैटर्न में क्या चेंजेस आए हैं आपको उन्हें एक्सप्लेन करना है ये चेंजेस हम किस एस्पेक्ट में बात कर रहे हैं इवोल्यूशनरी चेंजेस की हम यहाँ पर स्पेसिफिकली बात कर रहे हैं ओके okay, तो आपको जो एक्सप्लेन करना है वो इवोल्यूशनरी चेंजेस को एक्सप्लेन करना है कि क्या क्या इवोल्यूशनरी चेंजेस आए हैं इन द पैटर्न ऑफ हार्ट अमंग वर्टिब्रेट्स वर्टिब्रेट्स के अंदर हार्ट के पैटर्न में क्या क्या चेंजेस आए हैं फटाफट से बताओ क्या लगता है इवोल्यूशन के साथ साथ में क्या चेंजेस आए हैं वो मेजर रिवोल्यूशनरी चेंजेस को आपको यहाँ पर डिस्कस करना है आप लोग सभी आंसर बना पा रहे हो सोच पा रहे हो थॉट प्रोसेस चल रही है सभी की सब इमेजिन कर पा रहे हो कि हाँ ये हमने चैप्टर के अंदर कहाँ पढ़ा है किस टॉपिक से रिलेटेड है क्या इसका आंसर बनेगा अभी अगर आप एग्जाम हॉल में बैठे होते और आपके सामने ये क्वेश्चन होता आप इसका आंसर कैसे लिख रहे होते ये सारी थॉट प्रोसेस को डेवलप करवाने के लिए ही आपको हर क्वेश्चन का आंसर बताने से पहले भी और आंसर बताने के बाद भी मैं हमेशा आपको पांच से दस सेकंड पंद्रह सेकंड जरूर देती हूँ और ये वक्त देने का और कोई मोटिव नहीं है सिर्फ इतना मोटिव है कि आप भी अपनी थॉट प्रोसेस को पहले डेवलप कर पाओ उस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट के लिए उस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए जो यहाँ पर पूछा जा रहा है ठीक है अगर आप लोग ने सोच लिया है कि आपको कौन से इवोल्यूशनरी चेंजेस बताना है तो चलो आंसर देखते हैं कि यहाँ क्या आंसर फ्रेम किया हुआ है देखो ऑल वर्टिब्रेट्स पजेस अ सारे ही वर्टिब्रेट्स का कैसा हार्ट होता है ऑल वर्टिब्रेट्स पजेस अ हार्ट होलो मस्क्युलर ऑर्गन कंपोज ऑफ कार्डिय मसल फाइबर्स सारे ही हार्ट होता है वो कैसा होता है एक होलो मस्कुलर ऑर्गन होता है कार्डियस से बना हुआ होता है कार्डियक मसल का बना यह हमने पढ़ा था ना पढ़ा था सभी ने होलो मस्क्युलर ऑर्गन है ये भी पढ़ा था हम सब ने हॉलो है तभी तो उसके चैम्बर्स में जाके ब्लड भरता है ना होलो है ना सॉलिड तो नहीं है राइट कैसा ऑर्गन है हॉलो है और कैसा है मस्कुलर है कौन सी मसल का कार्डियक मसल का सब कुछ पढ़ा था यस yes, मैम याद है नो no, मैम यही बोलते हो यार देखो तो द फंक्शन ऑफ द हार्ट इज टू पंप ऑक्सीजन टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी हार्ट का फंक्शन अगर आप देखोगे तो क्या होता है ब्लड को बॉडी के हर एक पार्ट में इसको क्या करवाना होता है पंप करवाना होता है द फंक्शन ऑफ द हार्ट इज टू पंप ऑक्सीजन टू ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी बॉडी के हर एक पार्ट तक ऑक्सीजन को पंप ऑफ हार्ट होलो मस्कुलर ऑर्गन विच इज कंपोज ऑफ कार्डियक मसल फाइबर्स यहां तक क्लियर हार्ट का फंक्शन क्या है भाई ऑक्सीजन को पंप करवाना ठीक है

ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम the deoxygenated ब्लड फॉर efficient ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट याद करो सबसे पहले आपने जो आ, हार्ट का स्ट्रक्चर पढ़ा था आपने पढ़ा कि मैम पहले तो हार्ट जैसी कोई चीज़ पाई नहीं जा रही ठीक है कुछ तो ऐसे भी है फिर धीरे धीरे किसी के पास हार्ट आया फिर आया तो टू चैम्बर्ड आया फिर टू चैम्बर्ड से थ्री चैम्बर्ड आया फिर थ्री से फोर चैम्बर्ड आया अब इसमें क्या हो रहा था यहाँ ये जो बिगनिंग हुई है और अभी जो हाईली डेवलप्ड फोर चैम्बर्ड हार्ट है कौन सा कैरेक्टर यहाँ से इवॉल्व होता हुआ जा रहा है और किस तरफ जा रहा है ये जा रहा है कि भाई हम ये मेक श्योर sure कर सके चेंजेस क्यों लेके आ रहा है हार्ट अपने अंदर ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ टाइम ये अपने अंदर चेंजेस क्यों लेकर आ रहा है अपने स्ट्रक्चर में चेंजेस क्यों लेकर आ रहा है ताकि ये मेक श्योर sure कर सके कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड डिऑक्सीजनेटेड से मिक्स ना हो ठीक है ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की इंटरमिक्सिंग ना हो बॉडी के अंदर और ऑक्सीजन जो है वो इफिशियंटली बॉडी के हर पार्ट तक ट्रांसफर या सप्लाई हो सके यही मोटिव है इस मोटिव से क्या हुआ हार्ट में धीरे धीरे इवोल्यूशन हुआ तो बेस्ड ऑन वॉट विच पर्पज विच मोटिव इट इज बेस्ड ऑन द सेपरेशन ऑफ हम कैसे समझें हम कैसे माने कि हार्ट में रिवोल्यूशन हुआ है हार्ट का स्ट्रक्चर इवॉल्व हुआ है तो भाई हमारे पास प्रूफ है हमारे पास प्रूफ है फिश में हार्ट कैसा था एक होलो ट्यूब

और बढ़े और अब जाके जो बन चुका है वो कैसा डबल सर्कुलेशन वाला कंप्लीटली क्या करने वाला ऑक्सीजनेटेड को डी से सेपरेट करने वाला हार्ट बन चुका है और अब इसके अंदर बिल्कुल भी इंटरमिक्सिंग नहीं होती है इस तरीके से हुआ है मैम हार्ट के अंदर इवोल्यूशन ठीक आगे देखेंगे हार्ट ठीक है जो में हार्ट होता है वो कैसा होता है एग्जाम्पल लेते चलेंगे बाई फिशनिकल वन, वन वेंट्रिकल पढ़ा है ना हमने फिश का कैसा हार्ट था टू हार्ट था एक एक वेंट्रिकल ठीक है में में आया वेंट्रिकल में गया, वेंट्रिकल गया से आगे क्या इसे क्या कहा था सिंगल सर्क्यूलेशन कहा था यहाँ पर जब हार्ट में दो चैंबर्स हैं तो यहां जब ब्लड सर्कुलेट हो रहा है ठीक है इसे हमने कैसा कहा था इसे हमने सिंगल सर्कुलेशन कहा था

बोथ द ऑरिकल एंड द वेंट्रिकल रिमेन अनडिवाइडेड दोनों को एक दूसरे से डिवाइड ही नहीं किया तो उसके थ्रू सिर्फ ऑक्सीजनेटेड oxygenated... <coughs> कैसे पास हो सकता है उसमें तो हमेशा क्या होगा डीऑक्सीजनेटेड ही उसके थ्रू पास होगा ठीक है ऑरिकल और वेंट्रिकल क्योंकि एक दूसरे से डिवाइडेड है ही नहीं इसलिए इससे हमेशा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ही पास होता था एंड द डिऑक्सीजनेटेड ब्लड एंटर्सेशन और फिर यह डी ऑक्सीजनेटरी ऑर्गन है यहाँ पर फिश के पास रेस्पिरेटरी ऑर्गन कौन सा प्रेजेंट होता है इनके पास लंग्स होते हैं क्या नहीं होते क्या होते हैं इनके पास गिल्स होते हैं तो जो भी रेस्पिरेटरी ऑर्गन पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के पास है ब्लड ऑक्सीजनेशन के लिए उसी ऑर्गन के पास जाता है क्योंकि रेस्पिरेशन से ही गैशियस एक्सचेंज होता है रेस्पिरेशन क्या है एक्सचेंज वहीं पर होगा ऑक्सीजनेशन वहीं पर होगा तो ये जो है सिर्फ डिऑक्सीजनेटेड ब्लड को पास करवाएंगे दोनों चैंबर्स और यहां से डिऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा किसके पास ये जाएगा गिल्स के पास गिल्स क्या करके देंगे

पढ़ा मैं आपको पहले भी चुकी हूँ फर्स्ट लेक्चर जो हमारा इस चैप्टर का था वहीं पर मैंने ये सारी चीज़ें पढ़ाई थी बट स्टिल जैसे जैसे टॉपिक निकलते जाएंगे एक बार फिर से समझते जाएंगे कोई दिक्कत की बात नहीं है याद ये रखना कि यहाँ हम आंसर दे रहे हैं एवोल्यूशनरी चेंजेस का तो उसमें हमें बताना जरूरी है कि पहले कैसा था फिर कैसा हुआ फिर कैसा हुआ फिर ऐसा हुआ ठीक है चलो देखते हैं ये वाला हार्ट तो हमने देख लिया मैम मछलियों का अब देख लेते हैं एम्फीबियंस हार्ट एम्फीबियंस का कैसा होता है एम्फीबियन में किसी एक का उदाहरण ले लो जरा तो भाई आप सबको पता है एम्फीबियन में सबसे पहले उदक, उचक के कूद के कौन आता है मेंढक ठीक है Amphibian में सबसे पहले किसको पढ़ते हो आप बताओ Amphibian में सबसे पहले किसको पढ़ते हो मेंढक को ही पढ़ते हो ना सबसे पहले तो एम्फीबियन में फ्रॉग के एग्जाम्पल को लेके देखो जरा क्या लिखा हुआ है यहां पर कैसा हार्ट होता है उसका फ्रॉग का हार्ट कैसा है कितने चैंबर है उसके पास चलो देखे आंसर सच हैव थ्री एम्फिबियॉक्स हैथ टू ऑरिकल्स एंड वन वेंट्रिकल चलो देखेंगे आगे द ऑरिकल्स इज डिवाइडेड इन टू आर राइट लेफ्ट चैम्बर बायिकुलर से तो याद रखना हमेशा कि उसके पास ऑरिकल दो होते हैं वेंट्रिकल एक ही होता है ठीक ऑरिकल दो होते हैं वेंट्रिकल एक ही होता है अब दो ऑरिकल और एक वेंटिकल होने की वजह से क्या दिक्कत आती है इनको दिक्कत यह आती है कि एक के पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ गया एक के पास डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ गया ठीक है लंग्स से यहां पर ऑक्सीजनेटेड ब्लड ब्लड आ आ गया और बॉडी से यहाँ पर डीऑक्सीजनेटेड गया इसमें कोई दिक्कत नहीं है यहां तक तो दोनों ब्लड जो है वो सेपरेटेड है लेकिन ये बताओ जब दोनों ऑरिकल से ये वेंट्रिकल में जाएंगे तो वेंट्रिकल तो एक ही है ना मैम मतलब क्या हुआ ऑरिकल में अलग अलग लाके देने का हार्ट को वेंट्रिकल में तो उसने सब कुछ मिला ही लिया बस वही दिक्कत है वही दिक्कत है इसीलिए इसे कहते हैं इनकंप्लीट क्या कहेंगे इसे इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन क्योंकि ऐसा नहीं है कि यहां सिंगल है हो तो डबल ही रहा है लेकिन क्योंकि कंप्लीट नहीं हो रहा तो आप इसे कहोगे इनकंप्लीट डबल सर्कुलेशन ठीक है हो तो भाई यहाँ पर भी डबल ही रहा है देखो दोनों ब्लड अलग अलग तरीके से आ रहे हैं ना यहाँ पर ऐसा नहीं है कि सिर्फ डिऑक्सीजनेटेड ही जा रहा है और एक ही बार हार, हार्ट के थ्रू ब्लड जो है वो क्या हो रहा है एंटर कर रहा है हार्ट के अंदर नहीं ऐसा नहीं है यहाँ पर ऑक्सीजनेटेड ब्लड भी आ रहा है और डिऑक्सीजनेटेड ब्लड भी आ रहा है बस दिक्कत यह है कि वेंट्रिकल एक ही होने की वजह से यहां पर वेंट्रिकल में आके मिक्स हो जाता है और कोई मतलब नहीं बचता फिर कुछ भी करने का तो यह रीजन है कि इसे आप डबल सर्कुलेशन कहते हो मतलब आप यह समझे ना कि काम अभी भी पूरा नहीं हुआ था ना ही हॉलो ट्यूब से पूरा काम चल रहा था उतना परफेक्टली नहीं चल रहा था उतना ज्यादा एफिशियंट ऑक्सीजन सप्लाई नहीं था ना ही टू चैम्बर्ड हार्ट से काम चल रहा था बढ़िया ना ही थ्री चैम्बर्ड से मोटिव पूरा सर्व हुआ अभी तक सर्व हुआ नहीं है तो मतलब अभी और होगा तो द दरिकल इज डिवाइडेड इनटू राइट एंड लेफ्ट चैम्बर ऑरिकल जो है वो राइट और लेफ्ट में डिवाइडेड है उन दोनों के बीच में एक सेप्टम भी है कौन सा सेप्टम इंटर ऑरिकुलर सेल के बीच वाला सेप्टम जबकि वेंट्रिकल की बात करें तो वो अनडिवाइडेड है क्योंकि वो एक ही है एक ही वेंट्रिकल है एडिशनल सच एज साइनस वेनोसस एंड कॉर्नस आर्ट्रियोस आर ऑल्सो प्रेजेंट एडिशनल चैम्बर्स भी प्रेजेंट है सब कुछ है पर ये इंटरमिक्सिंग जो है ना वो काम खराब कर रही है ये जो इंटर मिक्सिंग है ये काम खराब कर रही है बाकी तो सब कुछ ठीक अब इस इंटर मिक्सिंग को भी फिक्स करना पड़ेगा इसे भी रोकना पड़ेगा इसे रोकने के लिए फिर रेवोल्यूशन किस तरफ बढ़ा कि भाई काम तो रुको मेरा अभी भी नहीं हुआ है

ऑक्सीजनेटेड और डी जो है वो मिक्स हो जाता है क्योंकि वेंट्रिकल्स लेफ्ट और राइट right में डिवाइडेड नहीं नहीं है नहीं है सेपरेटेड उनके बीच में कोई सेप्टम नहीं है क्लियर है क्या कहानी कहानी क्लियर है बताओ पिक्चर क्लियर है कैसे पूछते हैं पिक्चर क्लियर है बताओ वर्टिब्रेट्स की कहानी हम पढ़ रहे हैं इवोल्यूशन कैसे हुआ इवोल्यूशन के बारे में पहले हमने समझाया कि कहां से कहां तक हो चुका है फिशेस से मैमल्स तक हो चुका है हमने बताया कि इस परपज से हुआ ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड को सेपरेट रखने के लिए फिर देखा कि भाई सबसे पहले वाले में कैसा पाया जा रहा था फिर देखा बीच वाले में कैसा पाया जा रहा है अब देखते हैं रेप्टाइल्स की कहानी पे और आ जाते हैं जिसमें एक एक्सेप्शन मिलेगा आपको रेप्टाइल्स के पास इनकम्प्लीट फोर चैम्बर्ड हार्ट्स होते हैं इनके पास इनकम्प्लीट फोर चैंबर्ड हार्ट होते हैं इनकम्प्लीट का मतलब क्या होता है क्रोकोडाइल को छोड़ के ठीक है क्रोकोडाइल हमेशा अलग रख लेना क्रोकोडाइल को पहले उठा के अलग कर देना इसको मत मिलाना इन चीजों में क्यों क्योंकि इसके पास फोर चैम्बर्ड हार्ट है उसको नहीं मिला सकते आप इनमें ठीक है इसके पास फोर चैंबर्ड हार्ट है इसको नहीं मिला सकते आप इनमें रुक जाओ यार मजा नहीं आ रहा Hmm. ठीक है इन्हें अलग कर दो पहले ही इन्हें मिलाना नहीं भाई इनके पास फोर चैंबर्ड हार्ट है बात कर ले इनकम्प्लीट फोर चैम्बर्ड हार्ट है क्या होता है ये दे हैव ओनली वन एसेसरी चैम्बर कॉल्ड साइनस वेनोसस द रेप्टिलियन हार्ट ऑल्सो शोज मिक्सड ब्लड सर्कुलेशन और ये मिक्सड ब्लड सर्कुलेशन को भी शो करता है ठीक है ये मिक्सड ब्लड सर्कुलेशन को भी शो करता है आप डायग्राम भी देख रहे होंगे तो आपको इनका बहुत अजीब सा दिख रहा होगा ठीक है

लेफ्ट पेयर ऑफ चैम्बर में भी एक ऑरिकल एक वेंट्रिकल हार्ट जो है वो चार चैंबर्स में इस तरीके से डिवाइडेड हुआ है अपर टू चैम्बर्स को आप राइट एंड लेफ्ट एट्रिया कहोगे लोअर टू चैम्बर्स को आप राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल कहोगे ठीक देन ये जो चैंबर्स ये एक दूसरे से कैसे सेपरेटेड होते हैं एक मस्कुलर वॉल के थ्रू सेपरेटेड होते हैं जैसे आप सेप्टा कहते हो इस वॉल को आप क्या कहते हो सेप्टा कहते हो तो यहां पर द दैम्बर्स आर सेपरेटेड बाय अ मस्कुलर वॉल दैट प्रिवेंट्स द मिक्सिंग ऑफ द ब्लड रिच इन ऑक्सीजन विद द ब्लड रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड ये ऑक्सीजन रिच ब्लड को कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड के साथ इंटरमिक्स होने से रोक देते हैं क्यों क्योंकि वॉल है बीच में दीवार है ना दीवार कौन सी दीवार सेप्टम क्या कहोगे इसे इसे कहते हैं इंटर इंटर एट्रियल किसके बीच में दो एट्रिया के बीच में दो वेंट्रिकल के बीच में अब एट्रिया को वेंट्रिकल से कौन डिवाइड करता है बताओ एट्रिया को वेंट्रिकल से कौन डिवाइड करता है ये और बताओ जल्दी से देखो अगर मैंने कहा ठीक है ऐसा कुछ मैंने बनाया अब मैं आपसे कहूं कि यहां पर भी दीवार है ये और यहां पर भी दीवार है मैंने आपसे इस वाली दीवार का नाम तो बता दिया मैंने आपको इस वाली दीवार का नाम तो बता दिया कि ये जो दीवार है ना इसे और इसे क्या कहना है क्या नाम बताया मैंने आपको इसका मैंने आपको इनका नाम बताया ये है इंटर एट्रियल सेप्टम और ये है इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम ठीक है अब ये बताओ यहां पर मैं दो चीजें और मार्क कर दूं आप मुझे बस उनका और बता दो कि इन्हें क्या कहना है इसे क्या कहना है और इसे क्या कहना है इन्हें कौन जुदा कर रहा है बताओ इन्हें जुदा करने वाले का नाम बताओ जल्दी से इन्हें कौन जुदा कर रहा है इसके नाम बताए मुझे जल्दी से चलो कौन बता रहा है नाम जल्दी बताओ जल्दी बताओ राइट right ऑरिकल को राइट right एट्रिया को राइट right वेंट्रिकल से जुदा करने वाले का नाम बताओ जल्दी बताओ कौन सा वॉल्व होता है इसके पास बाय कस्पिड या ट्राई कस्पिड दिख तो नहीं रहा कहीं लिखा तो नहीं है वहां पर लिखा तो नहीं है नहीं लिखा है चलो गुड अच्छी बात है जल्दी बताओ कौन सा वॉल्व होता है यहां पर बाय या ट्राई जल्दी बताओ जल्दी बताओ है ट्राइकस्पिड वॉल्व और यहां होता है बाइक वॉल्व इस बाइक वॉल्व को और क्या कहते हैं अरे 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 अरे, 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 अरे मिट्रल वॉल्व भी कहते हैं ठीक है चलो यहां तक क्लियर यहाँ तक क्लियर ये अपना एक बार मौका मिला था तो अपन ने फिर से रिवाइज़ कर लिया और कुछ नहीं ठीक है मौका मिला था तो एक बार फिर से रिवाइज कर लिया अच्छा मौका मिला है तो एक चीज़ और कर ले हाँ एक कहावत है मेरी मम्मी बोलती है कि भाई आया वार और चूके गवार ठीक है मौका मिला है फिर भी अगर चूक जाओ तो आपसे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं ठीक है यहां मुझे मौका मिला था तो मैंने इसको इस्तेमाल कर लिया ये देखो ये मौका मौका ये मौका कहां लेके जा रहा है मुझे ये मौका मुझे लेके जा रहा है एक बहुत अच्छी चीज के पास क्या है ये बहुत अच्छी चीज ये बहुत अच्छी चीज ये कह रही है कि मैं हूं एस ए नोड और मैं हूं वी नोड वी एन बताओ सही है ना सही है ना ऐसा हार्ट कभी नहीं देखा होगा तुमने ऐसे प्लस के साइन वाला हार्ट कभी नहीं देखा होगा बताओ 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 देखा है कभी हाँ देखा है क्या कभी ऐसे प्लस के साइन वाला हार्ट आज देख लो आज देख लो पता नहीं क्या मतलब वो ऐसे दिल में से तीर निकलते हुए सबने देखे होंगे कहा गया वो दिल ये वाले दिल में से तीर निकलते हुए सबने देखे होंगे ठीक है पर ये इस तरीके से दिल सच असली वाले दिल में से इतने तीर निकलेंगे ये तुमने कभी नहीं सोचा होगा ठीक है आज सोचो इसको बढ़िया तरीके से यहाँ पर आई थिंक क्लियर हो गया होगा आपको राइट right एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम को सेपरेट करने वाला इज इंटर एट्रियल सेप्टम एंड राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल को सेपरेट करने वाला इज इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम एंड राइट ऑरिकल को राइट right वेंट्रिकल से एक ओपनिंग प्रोवाइड करने वाला जिससे एट्रिया अपना ब्लड वेंट्रिकल को ट्रांसफर कर सके एमटी कर सके वो ओपनिंग है क्या वो ओपनिंग है track, valve, और लेफ्ट एट्रियम को राइट एट्रियम है, है right में ही दोनों नोड्स पाए जाते हैं एस ए नोड और एवी नोड आई थिंक यहां तक चीजें आपको क्लियर होंगी हम बढ़ते हैं आगे चलो इवोल्यूशन हो गया हार्ट का कैसे वो बिल्कुल एक हॉलो ट्यूब से टू चैम्बर थ्री चैम्बर्ड फोर चैंबर्ड तक पहुंच गया ठीक है डबल सर्कुलेशन की कहानी पहुंच गई अब देखो यहाँ पर क्या पूछा है क्वेश्चन नंबर में वाई डू वी कॉल अर हार्ट मायोजेनिक हम अपने दिल को मायोजेनिक क्यों कहते हैं इसका आंसर भी आप लोग मुझे बताओ किस किस से बन रहा है और ये बताओ पहले वाला किस किस को समझ आ गया इवोल्यूशन ऑफ हार्ट किस किस को समझ आ गया एक बार जल्दी से बताओ किस किस को इवोल्यूशन ऑफ हार्ट समझ में आ गया और फिर बताओ कि हम अपने हार्ट को मायोजेनिक क्यों कहते हैं चलो देखिएगा आंसर हार्ट का इवोल्यूशन कैसे हुआ है और क्यों ह्यूमन हार्ट को मायोजेनिक कहा जाता है क्या है मायोजेनिक का मतलब चलो हो गए कमेंट सभी के देखे आंसर फटाफट से इन द ह्यूमन हार्ट कंट्रैक्शन इज इनिशिएटेड बाय देखो मायोजेनिक का मतलब समझना है ना इसको थोड़ा छोटू कर लू पहले मैं हा इन द ह्यूमन हार्ट नहीं ऐसा कुछ नहीं है हा हाँ, हाँ, हाँ. हाँ भाई अब देखते हैं फाइनली कॉन्ट्रैक्शन मॉडिफाइड हार्ट मसल लोकेटेड इन द राइट एट्रियम ठीक है राइट right एट्रियम में ये प्रेजेंट होता है ऐसे नोड अभी मैंने बना के बताया था इसको बुलाऊं क्या मैं फिर से जो अपन ने अभी बनाया था उसको बुलाएं क्या वापस ये देखो दिखेगा नहीं ना पर वो? ऐसे दिखेगा वो अभी क्लियर बताओ ये जो ऐसे नोड है कहाँ बनाया मैंने इसको राइट एट्रियम में एवी को भी यही बनाया ये यह भी यही होता है बस कहाँ होता है ये वेंट्रिकल के पास होता है थोड़ा क्लोज टू वेंट्रिकल होता है बस इतना डिफरेंस है पढ़ा हुआ है सारा का सारा ठीक है ये ऐसे नोड है राइट एट्रियम में ही होता है चलो बड़े आगे इन द ह्यूमन हार्ट कंट्रैक्शन इज इनिशिएटेड बाय देखो ह्यूमन हार्ट में जब दोनों ही चैंबर्स रिलैक्स पोजीशन पे होते हैं ठीक है दोनों चैंबर्स मतलब चारों चैंबर्स एट्रिया भी और वेंट्रिकल भी चारों ही जब क्या होते हैं रिलैक्स पोजीशन पे होते हैं जिसे आप कहते हो जॉइंट डायस्टोल ठीक है जिसे आप क्या कहते हो जॉइंट डायस्टोल क्यों क्योंकि यहां पर चारों रिलैक्स कंडीशन में होते हैं चारों के रिलैक्सेशन से कॉन्ट्रैक्शन किसका शुरू होता है सबसे पहले और उसे कौन करवा रहा है कॉन्ट्रैक्शन का काम करता है कौन हर्ट के चैंबर्स को कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करता है फंक्शन परफॉर्म करता साइनो एट्रियल नोड विच इज द एस ए नोड ये क्या है एस ए नोड ये देखो साइनो एट्रियल नोड इज एस एन एस ए नोड भी कहते हो आप इसे ठीक है या फिर आप इसे और क्या कहते हो पेस मेकर ऑफ द हार्ट और क्या कहते हो पेस मेकर ऑफ द हार्ट ठीक है यहां एन को कैपिटल ले लेते हैं यार थोड़ा अच्छा लगेगा देखने में नहीं मजा नहीं आया ऐसे नोड ओके इस तरीके से आप इसे पढ़ते हो अब देखें आगे, हैज़ इनहेरेंट पावर ऑफ जनरेटिंग अ वेव। की कहानी क्या क्या है क्या करता क्या है ये? इन द ह्यूमन हार्ट कॉन्ट्रैक्शन स्पेशल मॉडिफाइड मसल ठीक है ये तो समझ आ गया मैम ऐसे नोड की कहानी है अब ये ऐसे नोट जो है इसके पास ये इनहेरेंट पावर होती है इसको कोई आके बोलता नहीं है कि उठ जा उठ जा सुबह हो गई जैसे आपको बोलना पड़ता है दस बार ठीक है आपकी तरह थोड़ी है कि अलार्म बंद कर करके सो रहे हैं इसको कोई आके नहीं बोलता कि उठ जा भाई सुबह हो गई इसको कोई नहीं बोलता कि उठ जा भाई पढ़ाई कर ले एग्जाम आने वाले हैं डेट शीट आ गई है कोई नहीं बोलता इससे ये ऑटो एक्साइटेबल होता खुद ही से इतना एक्साइटेड रहता है अपना काम खुद ही कर लेता है कोई इसको आके इनिशिएट नहीं करता इसके फंक्शन को कोई आके स्ट्यूमुलेट नहीं करता कोई दूसरे फंक्शन पे ये डिपेंड नहीं करता किसी दूसरे एडिशनल फैक्टर पे डिपेंड नहीं करता अपना काम ये डायरेक्टली खुद से कर देता है और नेचुरली करता है ऑटो एक्साइटेबल होता है इसीलिए तो नेचुरल पेसमेकर कहते हो आप इसे ठीक है तो ऐसे नोट के पास ये इनहेरेंट पावर होती है कि ये एक वेव ऑफ को जनरेट करता है जिससे पहले पहले सबसे किसके पास पास एट्रिया एट्रिया के तो क्या हो जाते हैं कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो वो जो एवी नोड है ना जो पूरा नीचे तक फैला हुआ है फाइबर पूरे फाइबर तक फैला हुआ है वो फिर क्या करता है वेंट्रिकल तक पहुंचा देता है उस कॉन्ट्रेक्शन को ठीक है तो कहानी कहां से शुरू होती है भाई ऐसे नोट से ऐसे नोड के पास ये इनहेरेंट पावर है कि ये एक वेव ऑफ कंट्रैक्शन को जनरेट करता है एंड कंट्रोलिंग द हार्ट बीट हैंस इट इज नोन एज द पेसमेकर इसलिए इसे पेस मेकर ऑफ ह्यूमन हार्ट कहा जाता है नेचुरल पेस मेकर है ये हमारा पेस वर्ड अगर आपको पता है तो मैं बता दूं एक बार जब ये चैप्टर चल रहा था लेक्चर चल रहे थे तो किसी ने लेक्चर में पूछा था कमेंट करके और मैंने कमेंट में ही आंसर दिया था कि पेस मेकर क्या है पेस मेकर का मतलब और कुछ नहीं है पेस मेकर का मतलब आप ये समझ लो कि अगर मैं कह रही हूं कि भाई मैं बहुत फास्ट पेस पे पढ़ाती हूँ मैं कह दूं कि मैं बहुत फास्ट पेस पे पढ़ाती हूँ मेरी स्पीड ज्यादा है पढ़ाने की और अगर मैं कह दूँ कि अगर आप मेरे सामने बैठे होते तो मैं बहुत स्लो पेस पे पढ़ा रही होती है ना तब मेरी स्पीड क्या है बहुत स्लो है पढ़ाने की मतलब अभी राइट नाउ आई एम एट फास्ट पेस और आई एम एट हाई पेस या अगर मैं बात करूं कि भाई जब आप मेरे सामने हो तो मेरी जो स्पीड uh, होगी वो कम होगी तब मैं काफी मॉडरेट पेस पर पढ़ाऊंगी पेस वर्ड मतलब आप स्पीड से मैच कर लो कि मैं किस एफिशिएंसी uh, से पढ़ा रही हूं मैं किस स्पीड से पढ़ा रही हूं ओके okay? और इस पेस वर्ड को अगर आप समझ गए तो बस इसी को आप यहां पर यूज कर लो कि हार्ट को अपना फंक्शन करवाने के लिए उसकी स्पीड को मेंटेन करवाने के लिए उसकी स्पीड को बनाए रखने वाला और स्पीड को जनरेट करने वाला स्पीड को जनरेट करने वाला और उसकी स्पीड को बनाए रखने वाला रिदम मेंटेन करना रिदम आई थिंक ज्यादा सही वर्ड होगा जिससे आप समझ पाओगे एक रिदम मेंटेन करना कि हाँ जैसे हम हाँ एक कोई बीट पढ़ रहे हैं जैसे डीजे की बीट आप लोग को सुनते हो ठीक है जो मुंह से अभी मैं अगर बता बताऊंगी तो थोड़ा सा अजीब लगेगा हंसने लग जाओगे सारे ठीक है आप सबको पता है कि वो डिकचिक करके जो आप लोग ऐसे डीजे की बीट को बोलते हो और सब बिल्कुल सेम उसको टाइम पे सेम टाइमिंग्स पे और सेम रिदम के साथ बोलते हैं तो क्या है उसका एक रिदम है तो वैसे ही हार्ट की बीट्स का भी क्या है रिदम रिदम है तो इसकी इसकी को को बनाए बनाए रखने रखने वाला वाला स्पीड इसका पेसमेकर बीट्स के रिदम को बनाए रखने वाला उसकी स्पीड को मेंटेन करने वाला बनाए रखने वाला इसका पेसमेकर हो गया कोई दिक्कत है क्या नेचुरल पेसमेकर है नेचुरल पेसमेकर है किसी ने इसको लाके इसमें पुट नहीं किया है हार्ट में और ना ही कोई आके इसे इनिशिएट करवाता है ना ही कोई इसे स्टिमुलेट करता है ना ही कोई इसे अफेक्ट करता है ये अपना काम खुद से करता है टोटली ऑटो एक्साइटेबल नेचुरल पेसमेकर ऑफ द हार्ट समझे बात समझ आई बात आपको हार्ट का नेचुरल पेसमेकर आप इसे क्यों कह रहे हो क्योंकि ये हार्ट के पेस को मेंटेन रखता है ओके okay, अब देखें आगे कहानी एसे नोड की इसके पास ये इनहेरेंट पावर है ठीक है करा क्या है इसने इस पावर से वही मैम जो आप इतनी देर से बता रहे थे हाँ भाई वही मेरी आदत है थोड़ा पहले बता देती हूं मैं. चलो रीड कर ले सिंस द हार्ट बीट इज इनिशिएटेड बाय इनिशिए नोड ये जो हार्ट बीट है ये ऐसे नोड इनिशिएट करता है एंड द इम्पल्स ऑफ कंट्रेक्शन ओरिजिनेट्स इन द हार्ट इट सेल्फ द ह्यूमन हार्ट इज टो एज मायोजेनिक इसलिए आप इसे क्या कहते हो मायोजेनिक कहते हो ह्यूमन हार्ट को ठीक है ह्यूमन हार्ट को आप क्या कह रहे हो मायोजेनिक कह रहे हो क्यों क्योंकि ये बना के रख रहा है क्या ये बना के रख रहा है अपने हार्ट के पेस को और यहां पर जो हार्ट बीट है वो ऐसे नोट से इनिशिएट होके जो कंट्रैक्शन जनरेट करती है वो खुद से करती है क्यों कह रहे हैं इसे मायोजेनिक रीजन क्या हो सकता है दोनों सेंटेंसेस जो यहां पर अंडरलाइंड है क्या है, इन दोनों को देखकर समझ में आ रहा है कि हार्ट को मायोजेनिक कहने का रीजन क्या हो सकता है पेसमेकर की कहानी हमने समझ ली ऐसे नोड हमने समझ लिया मायोजेनिक कहने का रीजन क्या हो सकता है किसी किसी को समझ में आया क्या <coughs> देखो दोनों ही बातों में आपको यह बताया गया कि यहां पर जो ऐसे नोड है इसको कोई दूसरा सिमुलेशन नहीं चाहिए कोई दूसरा मास्टर नहीं चाहिए जो इसे कंट्रोल करे कोई दूसरा इनिशिएशन फैक्टर नहीं चाहिए सब बताया ना मैंने अभी बस वही बात है कि यहां पर आपका जो हर्ट है ये कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन पंपिंग ये पूरी प्रोसेस जो कॉन्ट्रैक्शन वाली स्टार्ट हो रही है ऐसे नोट करके दे रहा है और इस पूरी प्रोसेस को ऑटो एक्साइटेबल आप कह रहे हो इस पूरे हर्ट के फंक्शन को ऑटो एक्साइटेबल आप कह रहे हो स्टार्टिंग कहां से हुई है पेसमेकर से हुई है और यहां पर कोई दूसरा न्यूरल इनपुट भी हमारे हार्ट को नहीं चाहिए कि ब्रेन इसे बिल्कुल रेगुलेट करेगा न्यूरल सिग्नल्स को भेजेगा तब जाके ऐसे नोड अपना काम दिखाए और तब जाके हार्ट जो है वो अपना फंक्शन करे नहीं ये कैसा है ऑटो एक्साइटेबल है इसलिए आप इसे मायोजेनिक कहते हो ठीक है क्लियर है क्या बात इतनी ऑटो एक्साइटेबल है इसलिए आप इसे मायोजेनिक कहते हो इसे कोई न्यूरल इनपुट नहीं चाहिए कोई स्टिमुलेशन फैक्टर नहीं चाहिए, कोई नहीं चाहिए. ये अपना काम खुद से करता है हार्ट ऑफ वर्टिब्रेड एंड मलस्क आर ऑल्सो मायोजेनिक वोटिब्रेड और मोलस्क का हार्ट भी मायोजेनिक ही होता है चलो आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर टेन की तरफ देखो क्या पूछा है साइनोआट्रियल नोड इज कॉल्ड द पेसमेकर ऑफ अर हार्ट वाई फिर से फिर से बताते हैं सेम क्वेश्चन को साइनोआट्रियल नोड मतलब एस नोड को हमारे हार्ट का पेसमेकर क्यों कहते हैं कहते हैं पर ऐसा क्यों इस तरीके से पूछा है बात तो एक ही है ना यार बात तो एक ही है क्यों कहते हैं क्योंकि ये हमारे हार्ट के रिदम को बीट को पेस को मेंटेन करके रखता है चलो देखेंगे आंसर

राइट टू एट्रियम थोड़ा चोट बना लेते हैं थोड़ा चोट बना लेते राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम सॉरी अरे 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 लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल लेफ्ट वेंट्रिकल यहां पर मैंने आपको बताया था कि भाई आपका पेसमेकर पाया जा रहा है ऐसे नोड पाया जा रहा है और यहां पाया जा रहा है आपका एवी नोड अरे 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 एवी नोड ठीक है एस ए नोड एंड एवी नोड इस तरीके से राइट बात हम अभी कर रहे हैं एस ए की कर रहे हैं मैम अरे हाँ ना भाई ठीक है इसकी बात कर रहे हैं हम अभी एस ए एन की बात कर रहे हैं किसकी बात कर रहे हैं एस ए एन की बात कर रहे हैं एस ए नोड की बात कर रहे हैं राइट एट्रियम में ऐसे नोड है जिसकी हम बात कर रहे हैं यहां पर आपको क्या पढ़ना है दैट द साइनो एट्रियल नोड एसए नोड इज अ स्पेशलाइज्ड बंडल ऑफ न्यूरॉन्स व्हिच इज लोकेटेड इन द अपर पार्ट ऑफ द राइट एट्रियम देखो राइट एट्रियम के अपर पार्ट में ये लोकेटेड होता है हार्ट के एंड द कार्डियक टिम्पल्स ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द एस ए नोड ट्रिगर्स अ सीक्वेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल इवेंट्स इन द हार्ट जो कार्डियक इम्पल्स ओरिजिनेट होते हैं ऐसे नोड से ये ही अपने इंपल्स को जो हार्ट के इलेक्ट्रिकल इवेंट्स हैं उन्हें ट्रिगर करते हैं स्टार्ट करवाते हैं कॉन्ट्रैक्शन को स्टार्ट करवाते हैं ऐसे नोड जब एक्शन पोटेंशियल को जनरेट करता है इसी से राइट right एट्रियम सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट होता है जब राइट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट होता है तो लेफ्ट भी होगा उसके साथ दोनों एट्रिया दोनों एवी एन दिस इज एवी एन एवी नोड ठीक है ये इंपल्स इसे इफेक्ट करेंगे ऐसे नोड से किसे एवी नोड को ओके okay, किसे इफेक्ट करेंगे एवी नोड को इफेक्ट करेंगे भाई एवी नोड के पास ये इंपल्स जाएंगे और फिर एवी नोड के पास जो इम्पल्स गए हैं यहाँ से अब ये इम्पल्स ट्रैवल करेगा आपको पता है यहाँ से ये पास ऑन करके कहा जाता है देखो मैं बताती हूँ यहाँ से ये ऐसे पास ऑन करके बंडल ऑफ एस यहाँ से आ, इंटर सेप्टम के टॉप पे पहुंचता है और फिर बंडल ऑफ एस ऐसे करके डिवाइड हो जाते हैं दोनों तरफ और फिर उनकी बहुत सारी बहुत सारी ब्रांचेस निकलती हैं और उन ब्रांचेस को आप कहते हो उन ब्रांचेस को बहुत सारी ब्रांचेस निकलती है और उन ब्रांचेस को आप कहते हो परकिंजे फाइबर्स क्या कहते हो परकिंजे फाइबर्स कहते हो ठीक है परकिंजे फाइबर्स कहते हो आप इन्हें और यहां पर क्या है ये बंडल ऑफिस अरे ये क्या हो गया है भाई ये क्या हो गया है बंडल ऑफिस ठीक है बंडल ऑफ ऑफिस इतना क्लियर अब ये जो बंडल ऑफ ऑफेस है यहां से आपने देखा कि भाई इस तरीके से ये डिवाइड हो जाएगा पूरा इसका जो आ, फाइबर है एवी नोड से ये कंडक्शन कैसे गया आगे इंपल्स का इनके थ्रू गया ठीक है बंडल ऑफ ऑफेस एंड पोरगेजे फाइबर्स के थ्रू वेंट्रिकल्स के पूरे ये जो फाइबर्स हैं यहां तक ये इंपल्स पहुंच गया अब ये इंपल्स क्या करेंगे वेंट्रिकल को भी कॉन्ट्रैक्ट कर देते हैं वेंट्रिकल्स को कॉन्ट्रैक्ट कर देते हैं और फिर यहां पर वेंट्रिकल्स का कॉन्ट्रेक्शन होता है एट्रिया रिलैक्स हो जाता है मतलब आप ये समझो कुल मिला के पूरी बात से यहाँ पर हम यहाँ पर भी ना साइकिल पढ़ रहे हैं ना हार्ट की फंक्शनिंग पढ़ रहे हैं हम ये पढ़ रहे हैं कि जो फंक्शनिंग है वो स्टार्ट हुई कैसे वो स्टार्ट हुई ऐसे नोट के एक्शन पोटेंशियल को जनरेट करने से इम्पल्सेस को जनरेट करने से और इससे ऐसे नोट को ये इम्पल्स जनरेट करने के लिए किसी की मदद नहीं चाहिए किसी का कोई इनिशिएशन नहीं चाहिए कोई स्टिमुलस नहीं चाहिए ये खुद से अपना इनिशिएशन करता है और ये जो पूरा का पूरा फंक्शनिंग हो रहा है ये जो इंपल्स जनरेट हो रहे हैं और ये जो कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्शन इसके थ्रू स्टार्ट हो रहा है इसी से हार्ट की बीट्स बनती हैं। आपको मैंने पता आ, पढ़ाया था कि हार्ट जो बीट करता है और जो दोनों साउंड्स आते हैं ठीक है जो दोनों प्रोमिनेंट साउंड आते हैं एक कार्डियक साइकिल में एक कार्डियक साइकिल में जो दो प्रोमिनेंट साउंड आपने पढ़े थे कौन से साउंड थे वो लब एंड डब सबको पता है ना प्रोमिनेंट साउंड ऑफ टू प्रोमिनेंट साउंड ऑफ कार्डियक साइकिल पढ़े थे ये हमने कार्डियक साइकिल के दो प्रोमिनेंट साउंड कौन से पढ़े थे हमने लब और डब लब और डब अलग लिखती हूं लब एंड डब किस किस को किस-किसको याद है कि ये साउंड कब प्रोड्यूस हो रहे थे किस किस को याद है कि ये साउंड कब प्रोड्यूस हुए थे? लब और डब साउंड हमेशा के क्लोज होने पर ही प्रोड्यूस होते हैं जब ट्राइकस्पिड और बाइक वॉल्व क्लोज होते हैं तो प्रोड्यूस होता है साउंड लब और जब वॉल्व क्लोज होता है तो प्रोड्यूस होता है साउंड डब क्लियर है यही पढ़ा है हमने यही पढ़ाया ना चैप्टर के अंदर हमने कि भाई जब वॉल्स क्लोज होते हैं तो लब और फिर डब साउंड क्रिएट होता है अब यहां पर बात हम कर रहे हैं कि मैम ये जो साउंड्स है ये जो बीट्स है ये जो हार्ट की बीट्स है एक कार्डियक साइकिल की इन हार्ट बीट्स को और इनके सारी कार्डियक साइकिल में इन बीट्स के एक रिदम को मेंटेन करके रखने वाला काम मतलब एक पेस को एक स्पीड को मेंटेन करके रखने वाला काम कौन कर रहा है हार्ट के अंदर तो भाई वो काम कर रहा है कौन भाई जो साइकिल को स्टार्ट करवा रहा है ना वही उसकी स्पीड को मेंटेन कर रहा है कि मुझे एक साइकिल को स्टार्ट करके कब खत्म करवाना है फिर दूसरी कब स्टार्ट करवानी है फिर दूसरी कब स्टार्ट करवानी है फिर अगली बार फिर से कब से कॉन्ट्रेक्शन को स्टार्ट करवाना है ये पूरा का पूरा स्पीड को बीट को रिदम को पेस को मेंटेन करने का काम कौन कर रहा है

बोलने का भाई बोलने का चलो आगे देखे आगे देखे द साइनो एट्रियल नोट इज अलाइज बंडल ऑफ न्यूरोलाइज बंडल ऑफ न्यूरोटेड होते हैं जो कि होते हैं हार्ट के राइट right एट्रियम के अपर चैंबर में अपर पोर्शन में सही बात है ऐसे नोड से जो होता है, वो ट्रिगर करता है हार्ट जो भी के होने वाले हैं ना हार्ट के अंदर उन सब को ट्रिगर यही करता है इसी से इनिशियट होते हैं दे आर बाय कंट्रोलिंग द सीक्वेंस ऑफ मसल कॉन्ट्रेक्शन दट पम्प ब्लड आउट ऑफ द हार्ट और ये कंट्रोल करता है मसल कॉन्ट्रैक्शन को भी और ये कंट्रोल करता है मसल कॉन्ट्रैक्शन को भी जो ब्लड को पंप करता है कहा हार्ट से बाहर हार्ट के जिस में कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है उस से ब्लड बाहर जाता है ठीक है जैसे अगर एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो वेंट्रिकल में जाता है और वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो वेंट्रिकल से बाहर जाता है है ना जो भी चैम्बर कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है उससे ब्लड बाहर जाता है और यूनिडायरेक्शनल फ्लो है है ना एट्रिया से वेंट्रिकल वेंट्रिकल से फल

दिस इज नोन एज द नेचुरल पेस मेकर ऑफ द यूमन बॉडी क्या कहते हो आप इसे नेचुरल पेस मेकर ऑफ द ह्यूमन बॉडी कहते हो क्लियर है क्या इतनी बात बता दो एक बार अगर है तो एक बार बता दो अगर क्लियर है तो जल्दी से बताओ नेचुरल पेसमेकर ऑफ द ह्यूमन बॉडी एसे नोड इनिशियट एंड मेंटेन्स द रिडनेसिटी ऑफ द हार्ट

क्वेश्चन नंबर टेन का आंसर जल्दी बताने का किस किस को समझ में आया दस बार पढ़ लिया यार दस हजार करोड़ बार पढ़ लिया ऐसे नोट को पेस मेकर ऑफ योर हार्ट क्यों कह रहे हो आप जल्दी बताओ दस बार पढ़ लिया आप तो बता दो जल्दी से बहुत हो गया आप तो जल्दी बताओ हम्म चलो देखें आगे बढ़ जाए आगे चलो 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 बढ़ेंगे आगे इसे क्लियर करते हैं पहले आगे देखते हैं थोड़ा इसका क्वेश्चन नंबर इलेवन ट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड एंड एट्रियोवेंट्रिकुलर बंडल इन द फंक्शनिंग ऑफ हार्ट अच्छा बढ़िया क्वेश्चन है ये देखो एट्रीओवेंट्रिकुलर नोड और एट्रियोवेंट्रिकुलर बंडल इन दोनों का क्या रोल है क्या सिग्निफिकेंस है हार्ट की फंक्शनिंग में बताएंगे जल्दी से वट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड एंड एट्रियोवेंट्रिकुलर बंडल जल्दी बताओ इन दोनों की क्या सिग्निफिकेंस है इन द फंक्शनिंग ऑफ हार्ट बढ़िया क्वेश्चन है बढ़िया क्वेश्चन है जल्दी से बताओ क्या सिग्निफिकेंस है क्या लगता है वट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ ऑफ बोथ देम चलो देखेंगे आंसर कमेंट तो आप लोग करते ही हो गए वैसे पूरी उम्मीद है मुझे है ना चलो आंसर पे आते हैं अरे भाई हाँ, मैं सोचू ये क्या हुआ चलो देखा एवी नोड के बारे में एवी एन के बारे में नोड तो वही है एंड नियर द बेस ऑफ द इंटर ऑरिकुलर सेपरेट द राइट ऑरिकल फ्रॉम द वेंट्रिकल वो डायग्राम वापस बुलाई लेती हूँ मैं रुक जाओ ऐसे मजा नहीं आ रहा देखो <coughs> एवी नोड की बात हम कर रहे हैं वो बना हुआ है आपके सामने एवी नोड क्या कह रहा है वो एवी नोड कि भाई मैं हूं एवी नोड मतलब एट्रियो वेंट्रिकुलर क्या हूं मैं एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड ठीक है कहां प्रेजेंट है ये ये जो एवी नोड है ये जो यहां प्रेजेंट है राइट एट्रियम में ठीक है

तो सही तो बोल रहे हैं भाई क्या गलत बोल रहे हैं यही तो बोला उन्होंने कि ये जो एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड है ये प्रेजेंट है राइट right एट्रियम में नियर द बेस ऑफ इंटर ऑरिकुलर सेप्टम इंटर ऑरिकुलर सेप्टम के बिल्कुल बेस पर सेपरेट द राइट ऑरिकल फ्रॉम द लेफ्ट ऑरिकल है गलत है भाई ये फ्रॉम द लेफ्ट ऑरिकल फ्रॉम द लेफ्ट ऑरिकल ठीक है राइट right को लेफ्ट ऑरिकल से सेपरेट करता है ओके okay. चलो राइट फ्रॉम द लेफ्ट ऑरिकल आगे बढ़े इट गिव्स राइज टू द बंडल ऑफ एस अभी बताया ना मैंने यहीं से आगे जाएगा क्या बंडल ऑफ एस एंड देन व्हाट बहुत सारे उसमें से निकलेंगे ब्रांचेस फाइबर्स कहलाएंगे वो लिखा हुआ है वहां पर ठीक है बंडल ऑफिस कंडक्ट करेगा इस कार्डियक इंपल्स को और फर्दर आगे तक फ्रॉम द द टू वेंट्रिकल्स वेंट्रिकल्स कहां कहां से कहां तक? से तक तक लेकर आएगा इस इंपल्स को एज द बंडल ऑफिस जो है वो क्या करेगा भाई वेंट्रिकल अलोंग द इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम कहां पर होता है ये बंडल ऑफिस इस इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम के टॉप पर इसके टॉप पे होता है ठीक है इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम के टॉप पर होता है इट डिवाइड्स इनटू टू ब्रांचेस ये दो ब्रांचेस में डिवाइड हो जाता है वो जो रेड वाली बनाई हुई है, द राइट वेंट्रिकल एंड द लेफ्ट वेंट्रिकल से फिर ये राइट right और लेफ्ट वेंट्रिकल को डिवाइड करता है देन 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 क्या होता है मैम इन ब्रांचेस का जो एंड है इन ब्रांचेस का जो एंड है द एंड ऑफ दिस ब्रांचिंग the end branches of this conducting system then forms network of purkinje fibers that penetrate into the myocardium ye jo network of purkinje fibers hain ye sab myocardium mein jaake uh, penetrate karte hain ये Purkinje फाइबर्स यहाँ पर मैंने further branches को यहीं के यहीं लिख दिया है आपको ताकि आप रिकॉल कर सको कि ये कंडक्शन कहां से कहां जा रहा है इंपल्स का ऐसे पहुंच रही है, है मायोकार्डियम में ठीक है ये पूरा इंपल्स जो है कंडक्ट हो रही है इस पाथ, पाथवे से। इतना तो क्लियर है ना इसलिए ये सारी चीजें यहीं पर बना के रखी हुई है क्लियर है क्या इतना अब यहां पर हमने मैम देखा कि ये जो ऑरिकुलर कंट्रेक्शन है जो कि स्टार्ट हुआ है किससे वेव ऑफ एक्साइटेशन से जो ऐसे नोट ने दी है सबसे पहले ऑरिकल ही कॉन्ट्रैक्ट हुए थे सबसे पहले याद है ना भूल तो नहीं गए हो बार बार पूछ रही हूं मैं बता दिया करो जल्दी से बताओ भूले तो नहीं हो सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट हुए थे ऑरिकल्स एट्रियस ये जब कॉन्ट्रैक्ट हुए थे ये कॉन्ट्रैक्ट हुए थे किसकी वजह से जो इंपल्स जनरेट किया था जो एक्शन पोटेंशियल जनरेट किया था ऐसे नोड ने फिर क्या हुआ था इट स्टलेट द नोड देयर बाय लीडिंग टू द देक्शन ऑफ वेंट्रिकल्स थ्रू द बंडल ऑफ एस एंड पोर फाइबर्स एंड हेंस है एट्रीओवेंटिकुलर नोड एंड एट्रीओवेंटिकुलर बंडल प्ले अ रोल इन द कॉन्ट्रेक्शन ऑफ वेंट्रिकल्स और यहां से आपको यह समझ आया कि ये जो एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड है और ये जो एट्रियोवेंट्रिकुलर बंडल है ये दोनों कॉन्ट्रैक्शन में और इंपल्स कंडक्शन में अपना रोल प्ले करते हैं ठीक है वेंट्रिकल्स के कॉन्ट्रेक्शन में किसके वेंट्रिकल्स के कॉन्ट्रेक्शन में इनका रोल है एट्रिया के नहीं एट्रिया का कॉन्ट्रेक्शन तो ऐसे नोड डायरेक्टली करा रहा है ऐसे नोड से इंपल्स जा रहा है एवी नोड पे और एवी नोड से फिर कंडक्शन हो रहा है कहां तक फर्दर पर फाइबर्स तक और यह करवा रहे हैं वेंट्रिकल्स का कॉन्ट्रेक्शन किसका वेंट्रिकल्स का कॉन्ट्रेक्शन किसका कॉन्ट्रेक्शन करा रहे हैं ये वेंट्रिकल्स का कॉन्ट्रैक्शन करा रहे हैं जल्दी से बताओ समझ आया या नहीं आया हमसे पूछा था हार्ट की फंक्शनिंग में एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड और एट्रियो वेंट्रिकुलर बंडल का क्या रोल है तो यह रहा आपके सामने एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड और ये रहा एट्री बंडल इन दोनों का रोल आपने देख लिया बंडल को ग्रीन कर देती हूं आपने देख लिया ना नोड और बंडल का दोनों का रोल कहां पर है वेंट्रिकल्स को कॉन्ट्रैक्ट करने में दोनों का रोल कहां पर है वेंट्रिकल्स को कॉन्ट्रैक्ट करने में है क्लियर है क्या बात समझ आ गई है क्या मजा आ रहा है क्या समझ में तो नहीं आ रहा है कुछ भी है बताओ कुछ भी समझ में तो नहीं आ रहा है ना समझ में आता है तो दिक्कत होती है तुम्हें अब मैम याद कैसे होगा आप क्वेश्चन कैसे करेंगे अब सॉल्व कैसे करेंगे अब इसे लिखेंगे कैसे अब ये भूल तो नहीं जाएंगे भूल जाएंगे तो फिर से रिवाइज कैसे करेंगे समझ में एक बार आ जाए ना फिर सारी दिक्कतें शुरू हो जाती तुम्हारी जिसको समझ नहीं आता उसको क्या दिक्कत है उसको कोई दिक्कत नहीं है मजे में आज देख रहे हैं कल फिर देख लेंगे परसों फिर देख लेंगे कोई दिक्कत नहीं ठीक है लेकिन जिसको समझ में आ जाता है वो बहुत परेशान रहता है अब क्या करें अब क्वेश्चन सॉल्व करें अब कहा से करें अब ये कैसे करें अब वो कैसे करें अब फिर भूल गए अब फिर कुछ डाउट आ गया अब फिर बहुत परेशान रहते हो पता नहीं क्यों इतने परेशान रहते हो चलो मैम आप तो ऐसे बोल रहे हो जैसे आप कभी परेशान ही नहीं रहे यार ऐसी बात है तो देखो करो मत ऐसी बात है तो देखो करो मत बिल्कुल परेशान रहे हैं पर जब सोल्यूशन आपके साथ हो तो फिर क्यों परेशान रहना आपको पता है कि आपको नया चैप्टर पढ़ाया जाता है पूरा टॉपिक वाइज फिर आपको उसके एनसीईआरटी सॉल्यूशन भी करा देती हूँ अब बोलोगे मैम आप फिर से बताने लगे अरे भाई यही बात है देखो सॉल्यूशन भी करा देते हैं सॉल्यूशन के बाद फिर आपको नया चैप्टर जो भी पढ़ाया है ठीक है उसको यहाँ पर तो क्वेश्चन की प्रैक्टिस अपन करते ही एनसीईआरटी के फिर हम हर चैप्टर के एम सी क्यूज अलग से प्रैक्टिस करते हैं वेरी शॉर्ट क्वेश्चन अलग से प्रैक्टिस करते हैं टॉप ट्वेंटी एसोसिएशन रीजन एंड टॉप ट्वेंटी केस बेस्ड क्वेश्चन भी करते हैं हर चैप्टर के ठीक है जो जो हम कंप्लीट कर चुके हैं उन सारे चैप्टर्स के हम ये चारों टाइप ऑफ क्वेश्चंस करते हैं लाइव सेशन में करते हैं या नहीं तो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हम वहां से इतनी भरपूर कर रहे हैं हर चैप्टर की ओवरऑल अगर पूरे चैप्टर के रिवीजन की बात करें तो वो मैं आपको डेली रिवाइज करवाती हूँ डेली याद दिलाती हूँ कि भाई जाके रिवाइज करो, करो 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 एक रिमाइंडर की तरह डेली हर लेक्चर में आपको ये मैं बोलती हूँ और इसके अलावा आपको जो फुल लेंथ प्रैक्टिस आपकी होनी है ठीक है फुल लेंथ प्रैक्टिस में आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं विद सॉल्यूशन सीबीएसई सैंपल पेपर एडिशनल पेपर्स ये ये सारी चीजें आपको प्रोवाइड की जा रही है अब बताओ कि अगर आपका एडिशनल्ट और आपके क्वेश्चंस दोनों एक साथ चल रहे हैं इक्वली जैसे रेलगाड़ी में दोनों जो उसके पटरियां हैं बढ़िया तरीके से एक साथ काम कर रही है वैसे ही ये दोनों चीजें एक साथ चल रही है कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन एक साथ चल रहे हैं और आगे पाठ पीछे सपाट भी नहीं होने दे रहे आगे जो नया पढ़ रहे हैं वो तो फ्रेश पढ़ ही रहे हैं जो पुराना पढ़ चुके हैं उसके क्वेश्चन कर रहे हैं तो ना वो भूल पा रहे हो और ना ये बंद हो रहा है पढ़ना दोनों बैठे हुए दिमाग में

आप कितना कर रहे हो, कितना completely utilize कर रहे हो, कहीं को छूट तो नहीं रहा है ठीक है चलो कहां से गए गए मैम अपन, हाँ, अपन कहा पढ़ लेते हैं एक बार थोड़ा सा कुछ समझ में आ जाता तो फिर परेशान होने लग जाते हैं तो अगर इस तरीके से अवेयर रहोगे तो परेशान नहीं होगे, ठीक है यहां से बात शुरू हुई थी अपनी क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व साइकिल एंड आउटपुट बढ़िया क्वेश्चन कार्डियक साइकिल क्या होती है एक कार्डियक साइकिल जो होती है उसमें क्या होता है मैम सबसे पहले तो सब रिलैक्स पड़े रहते हैं फिर ऐसे नोट आता है कि भाई उठो 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 जागो तो वो ऑरिकल को एट्रिया दोनों जो है ठीक है लेफ्ट एंड राइट एट्रियम दोनों को कॉन्ट्रैक्ट कर देता है फिर कॉन्ट्रेक्शन होता है मैम एट्रिया का वेंट्रिकल्स रिलैक्स रहते हैं फिर ये इंपल्स जो है वो वेंट्रिकल्स तक पहुंचता है तो वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं एट्रिया रिलैक्स हो जाता है वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं तो ब्लड मैम बाहर फ्लो हो जाता है और जब ब्लड बाहर फ्लो हो जाता है तब तक फिर एट्रिया में आके ब्लड भर चुका होता है एट्रिया में आके ब्लड भर चुका होता है तो एट्रिया क्या हो जाते हैं फिर से प्रेशर में आ जाते हैं तो फिर कॉन्ट्रैक्ट होते हैं फिर वो रिलीज करते हैं ब्लड को वेंट्रिकल में और बस मैम इस तरीके से कार्डियक साइकिल जो है वो चलती 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 रहती है है ना ऐसी चलती है ना बताओ अब यहां जो वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट हुए थे एक चीज मिस कर दी बीच में वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट हुए थे बाहर ब्लड रिलीज करने के लिए तो वेंटिकल्स रिलैक्स हो गए ना वेंट्रिकल्स अब रिलैक्स हो गए ना ब्लड को रिलीज करके ठीक है रिलैक्स हो गए डायस्टोल हो गया वेंट्रिकुलर डायस्टोल ऑरिकल्स में ब्लड भर चुका है ऑरिकल्स क्या करेंगे वेंट्रिकल में एम्टी कर देंगे अपने ब्लड को तो वेंट्रिकल भी अभी रिलैक्स है ऑरिकल भी अभी रिलैक्स है ठीक है दोनों रिलैक्स तो इसे क्या कहते हो जॉइंट डायस्टोल यहीं से कार्डिय, कार्डियक साइकिल स्टार्ट होती है यहीं पे आके वापस खत्म होती है और फिर नहीं शुरू होती है ठीक है दोनों जब रिलैक्स हो जाते हैं तो कार्डियक साइकिल खत्म फिर से शुरू होती है नहीं जब ऑरिकल क्या करता है अब कॉन्ट्रैक्ट होता है फिर से ठीक तो एट्रियल या एट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन से स्टार्ट होती है कार्डियक साइकिल और जॉइंट डायस्टोल पे कंप्लीट आप इसे कह सकते हो और फिर से स्टार्ट होती है जब ऐसे नोड अपना एक्शन पोटेंशियल जनरेट करता है और एट्रियम्स को कॉन्ट्रैक्ट करवाता है इस तरीके से फिर से साइकिल स्टार्ट होगी आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व साइकिल क्या है? इसे आपको तरीके से करना है और बताना है डिस्कस करते हैं कुछ thousands of में इसकी वैल्यू पढ़ी थी किस किस को याद है किस किस को याद है यहां कहीं लिखा तो नहीं है चीटिंग कर लोगे नहीं तो नहीं लिखा हाँ कार्डियक आउटपुट की कुछ वैल्यू पड़ी थी हमने कितना होता है कुछ थाउजेंड्स में ऐसे कुछ करके कुछ कोई वैल्यू थी बताओ मिलीलीटर या लीटर में किस किस को याद है जल्दी बताओ जल्दी बताओ किस किस को याद है फटाफट -फड़ से कमेंट करो किस किस को याद है ऑफ या या लीटर या कुछ 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 ऐसा पड़ा था मुझे नहीं पता जल्दी बताओ किस किस को याद है मैं देख लू यहाँ दी तो नहीं है नहीं दी है हाँ बताओ जल्दी से कार्डियक आउटपुट की वैल्यू पड़ी थी हमने किस किस को याद है मैं नहीं बताऊंगी और थैंक गॉड यहाँ लिखा भी नहीं है चलो जल्दी से जल्दी से कॉमेंट कर दो भाई कॉमेंट इट फास्ट जल्दी से

कार्डियक साइकिल को आप डिफाइन करते हो एक कंप्लीट साइकिल जिसमें हार्ट के कितने इवेंट्स इन्वॉल्व होते हैं बिगनिंग होती है एक हार्ट बीट से टू द बिगनिंग ऑफ नेक्स्ट बीट इट कंप्रााइजेस द थ्री स्टेजेस एट्रियल सिस्टोल वेंट्रिकुलर सिस्टोल एंड कंप्लीट कार्डियक डायस्टोल कंप्लीट कार्डियक डायस्टोल क्यों कहते हो आप इसे इसे जॉइंट डायस्टोल भी कहते हैं ठीक है क्यों कहते हैं इसे ऐसा क्यों कहते हैं इसे ऐसा क्योंकि यहां पर एट्रिया और वेंट्रिकल दोनों ही कैसे होते हैं रिलैक्स पोजीशन पे होते हैं सबसे पहले कौन हुआ कॉन्ट्रैक्ट सिस्टोल किसका हुआ सबसे पहले एट्रियल सिस्टोल देन वेंट्रिकुलर सिस्टोल एंड कंप्लीट कार्डियक डायस्टोल ठीक है ये तीन स्टेजेस चलती हैं एक कार्डियक साइकिल में कौन कौन सी एट्रिया का वेंट्रिकल्स का का एंड दोनों रिलैक्सेशन, ठीक है ऐसे चलेगी प्रोसेस तो कार्डियक आउटपुट क्या है कार्डियक आउटपुट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ ब्लड पंपड आउट बाय वेंट्रिकल्स इन मिनट कार्डियक आउटपुट वो अमाउंट ऑफ ब्लड है जो कि वेंट्रिकल्स क्या करते हैं पंप आउट करते हैं एक मिनट में कार्डियक आउटपुट इज द डिफाइंड इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ ब्लड पंपड आउट बाय वेंट्रिकल्स इन अ मिनट वेंट्रिकल्स एक मिनट में जितना ब्लड को पंप करके बाहर फेंकते हैं उसे आप कार्डियक आउटपुट कह रहे हो ठीक है क्या कहते हो इसे आप कार्डियक आउटपुट कहते हो जल्दी से बताओ किस-किस ने कमेंट करके बता दी है वैल्यू बताओ किस-किस ने कमेंट करके बता दी है वैल्यू जल्दी बताओ चलो पढ़े आगे पढ़े आगे चलो 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 देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन चलो भाई क्लियर <coughs> 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 करते हैं आई थिंक आप सभी ने इतने टाइम में कमेंट जरूर किया होगा और यह बिल्कुल भी मत सोचना कि मैम बता देंगी मैडम बता चुकी हैं सब लेक्चर में पढ़ाते वक्त ठीक है मैडम सब बता चुकी हैं अब आपकी बारी है भाई बताने की मैडम नहीं बताएंगे यहां पर चलो बढ़ते हैं आगे एक्सप्लेन हार्ट साउंड जो अभी मैंने यहां पर लिखा था बस उसी को देखना है क्या लिखा था मैम आपने यहां पर वो क्लोज हुआ था अब ये किसकी बात हो रही है आंसर में देखते हैं हार्ड साउंड क्या है लब एंड डब जो है वो क्या है कब आते हैं कैसे आते हैं क्यों आते हैं देखो हार्ट साउंड नॉइसेस प्रोमिनेंट साउंड जनरेटेड बाय द क्लोजिंग एंड ओपनिंग ऑफ द हार्ट वॉल्व ठीक है एंड इन अल्दी इंडिविजुअल देर आर टू नॉर्मल हार्ट साउंड लब एंड ठीक है लब डब कहते हो आप इन दो प्रोमिनेंट साउंड लब इज फर्स्ट हार्ट साउंड यह पहला साउंड होता है एंड इट इज एसोसिएटेड विद द क्लोजर ऑफ ट्राइक एंड बाइक वॉल्व एट द बिगनिंग ऑफ स स्टोल जब सिस्टोल स्टार्ट होता है तो ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड स्पीड वॉल्व के क्लोज होने पर यह साउंड आता है बताया था मैंने अभी यहां पर थोड़ी देर पहले कि लव एंड डब आर द टू प्रोमिनेंट साउंड टू प्रोमिनेंट साउंड ऑफ हर्ट हर्ट के दो प्रोमिनेंट साउंड्स हैं कौन से लब और डब लब कब आता है क्लोजर ऑफ कौन से वॉल्व के क्लोज होने पे ट्राइकस्पिड स्पीड एंड बाइक स्पीड वॉल्व

वॉल्व चलो देखेंगे इसे देखेंगे इसे ये हुआ आपका बिल्कुल शॉर्ट आंसर कि ये जो दो प्रोमिनेंट हार्ट साउंड्स हैं यहां पर आपसे पूछा हुआ था कि हार्ट साउंड्स क्या हैं तो आप बोलोगे कि भाई दो प्रोमिनेंट साउंड्स होते हैं हार्ट के लब एंड डब पहला आता है क्लोजर ऑफ ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड वॉल्व पे दूसरा आता है क्लोजर ऑफ सेमिलेनार वॉल्व पे आप समझ लें पर कि लव इज द फर्स्ट हार्ट साउंड पहला हार्ट साउंड है एसोसिएटेड विद द क्लोजर ऑफ ट्रैक स्पीड एंड बाइक स्पीड वॉल्व कहा प्रेजेंट होते हैं ये दोनों वॉल्व हाँ मैडम पढ़ाती रहे पढ़ाती रहे तो, तो बड़ा अच्छा लगता है पूछ लेती है तो इतनी बुरी क्यों लगने लगती है मैडम ये बताओ ट्रैक स्पीड और बाइक स्पीड वॉल्व कहा प्रेजेंट होते हैं सब बताया हुआ है अभी इसी लेक्चर में अभी पढ़ाते पढ़ाते लेकर आ रही हूं सारा बताओ जल्दी कहां प्रेजेंट होते हैं ट्रैक स्पीड बाइक स्पीड अब भी बताया हुआ है थोड़ी देर पहले ट्रैक स्पीड बाइक स्पीड कहा लोकेशन जल्दी फटाफट -फड़ से कमेंट कहा प्रेजेंट होते हैं ट्रैक स्पीड एंड बाइक स्पीड बॉल जल्दी से हाँ ये मत किया करो बस मैम आप है ना आप पढ़ाते रहो बताते रहो सुनाते रहो चलता रहे सब कुछ कितना अच्छा लगता है हमसे मत पूछा करो बस यही सब कुछ गड़बड़ हो जाता है बस हमसे मत पूछो है ना बताओ भाई जल्दी ऐसे तो नहीं छोड़ रही मैं ऐसे तो नहीं छोड़ रही मैं जल्दी बताओ जल्दी बताओ प्रेजेंट होते हैं ट्रैक स्पीड बाइक स्पीड जल्दी 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 हाँ आया आंसर किसी से बना ट्रैक स्पीड बाइक स्पीड वॉल्व होते हैं सबसे बना सबसे बना मैं तो यही मानूंगी क्योंकि अभी तो बताया मैंने कहा होते राइट एट्रिया

तब हो जाता है पहला हार्ट साउंड आता है लब एंड देन द हार्ट साउंड डब इज एसोसिएटेड विद द क्लोजर ऑफ सेमिल्व एट द बिगनिंग ऑफ डायस्टोल ठीक है दीज साउंड प्रोवाइड इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन अबाउट द कंडीशन एंड वर्किंग ऑफ द हार्ट और ये साउंड जो होते हैं हार्ट की कंडीशन और वर्किंग से रिलेटेड इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेश को देते हैं डायग्नोसिस में हेल्प करते हैं डायग्नोसिस इनकी वजह से बहुत इजीली हो पाता है हार्ट बीट्स को हम सुन पाते हैं और क्या कर पाते हैं काउंट कर पाते हैं कैसे कर पाते हैं अगर ये साउंड ही नहीं होते कितना इंपॉर्टेंस है इनका बहुत ज्यादा ठीक है बहुत ज्यादा हमेशा याद रखना ये किससे एसोसिएटेड है दे आर एसोसिएटेड विद द क्लोजर ऑफ द वॉल्व दे आर एसोसिएटेड विद द क्लोजर ऑफ द वॉल्व यहां ये चीज और ऐड कर देते हैं हम हार्ड साउंड डेवलप्ड या फिर एसोसिएटेड ही लिखो एसोसिएटेड विद द क्लोजर ऑफ दॉल्स ठीक है वॉल्स के क्लोजर के साथ ये एसोसिएटेड है चलो नोट डाउन कर लिया करो भाई शॉर्ट में चीजें आपको मिल रही हैं सब कुछ बनी बनाई लिखी लिखाई कुछ भी आपको यहां पर शॉर्ट तो खुद से करना नहीं पड़ रहा है सारा का सारा तो मिल रहा है लिख लिया करो फटाफट से चलो देखें आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को क्वेश्चन नंबर थर्टीन तक क्लियर है चलो लास्ट है आई थिंक ये हो गया है अब तो हमारे सारे क्वेश्चन फोर्टीन यस ड्रॉ अ स्टैंडर्ड एंड एक्सप्लेन द डिफरेंट सेगमेंट्स इन इट एक स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड का मतलब पता है ना पढ़ते वक्त भी हमने क्या पढ़ा था कि हम एक स्टैंडर्ड ईसी को पढ़ रहे हैं स्टैंडर्ड ईसी का मतलब होता है नॉर्मल कंडीशन में ठीक है नॉर्मल कंडीशन में का मतलब क्या होता है मैम अरे भाई जिसको कोई भी अगर डिसऑर्डर होगा ठीक है जिसका अगर नॉर्मल फंक्शनिंग नहीं चल रही है हार्ट की तो उसमें जो ई आएगी उसकी वो कुछ डिफरेंट होगी हम अब नॉर्मल कंडीशन को नहीं पढ़ रहे हम नॉर्मल कंडीशंस को ठीक है स्टैंडर्ड ईसीजी को पढ़ रहे हैं तो यहां पर भी आपसे यही कहा है कि आपको एक स्टैंडर्ड ईसीजी बनानी है ड्रॉ अ स्टैंडर्ड ईसीजी एंड एक्सप्लेन द डिफरेंट सेगमेंट्स इन इट और उसको ड्रॉ करने में आप जो जो सेगमेंट्स को बनाओगे उन सारे सेगमेंट्स को आपको एक्सप्लेन करना है ठीक है तो ड्रॉ स्टैंडर्ड ईसीजी एंड एक्सप्लेन द डिफरेंट सेगमेंट्स इन इट उसके डिफरेंट सेगमेंट्स को एक्सप्लेन करना है एक एक्सटेंडेड ईसीजी को बनाना है चलो बनाते हैं किस-किस को याद है एक स्टैंडर्ड ईसीजी में क्या-क्या होता था मैम मैम उसमें होता था पी ये क्या हुआ कुछ अच्छा सा ले लेते हैं जरा हां ये अच्छा है उसमें होते थे मैम पी नहीं ये अच्छा नहीं है मजा नहीं आया एक्सटेंडेड ईसीजी में क्या-क्या होता था पी क्यू आर S और टी मैम ये पी क्यू आर S और टी को ऐसे अलग अलग लिखने का कोई खास कारण अब ये भी मैं ही बताऊं तो आप लोग क्या बताओगे हम्म, अगर ये भी मैं ही बताऊं तो आप लोग क्या बताओगे ये तो बताओ पी वेव वेव और क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स किस किस को याद है बताओ किस किस को याद है पी वेव टी वेव और क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स किस किस को याद है बताएं जल्दी बताएं P wave, T wave, T Q, R, S complex किस किस को याद है किस किस ने फटाफट -फड़ से स्टैंडर्ड इसी जी को बना लिया है जल्दी भाई यूटिलाइज करो टाइम को आप लोग को क्या लगता है मैं ड्रॉइंग करने में टाइम दे रही हूं आप लोग को टाइम दे रही हूं मैं हाँ यूज ही नहीं करते चलो बनाए फटाफट से चलो देखेंगे एक स्टैंडर्ड ईसीजी और उसका डायग्राम चलो देखो ये रहा आपका स्टैंडर्ड ईसीजी P wave, P wave और QRS complex. किस किस को समझ आ गई ये ये कहानी क्योंकि मैम पढ़ा तो तो आप चुके हो बताया तो आपने ये सब है 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 बस वहीं से से आया आया देखो देख लो पहले इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम इज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द कार्डियक साइकिल प्रोड्यूस्ड बाय एन इलेक्ट्रोग्राफ इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम मतलब इसी चीज क्या होता है एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है जिसमें क्या बताया जाता है जिसमें आपके हार्ट की फंक्शनिंग्स को आप कार्डियक साइकिल को पूरी को बताते हो कार्डियक साइकिल पूरी आप यहां पर कैसे बताते हो भाई आपको तो सिर्फ ड्रॉ करना है ये लो ड्रॉ कर दिया आपने ये बता दिया आपने पी वेव ठीक है और ये क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स बना लिया ये देखो पी नहीं दिख रहा मैम अभी दिखेगा ये देखो पी अब दिखा बिल्कुल दिखा क्यू आर एस ठीक है ये पी वेव ये क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स और ये दिख गई आपको यहां से टी वेव ठीक है और ये देखिए आपको यहां से टी वेव ओके ये देखो आप दिखी टी वेव बिल्कुल दिख गई है ना पी एन टी वेव एंड देन क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स ये है एक स्टैंडर्ड ईसीजी नॉर्मल ईसीजी जल्दी बताओ भाई किस किसने बना ली हम्म जल्दी से बताओ किस किसने बना लिया पी वेव टी वेव क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स स्टैंडर्ड ईसी किस किसने बना लिया हटी जाती से जल्दी से कमेंट करो जल्दी से कमेंट करो किस किसने बना लिया पी वेव टी वेव एंड क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स चलो भाई किस किस ने बना लिया इसे और किस किसने देख लिया यहां पर ये पी टी को सब क्यों नहीं इंक्लूड हो रहे मैम सिर्फ पांच है यहाँ पे पांच से याद आया इससे आप ये भी समझ सकते हो कि यहाँ पर सिर्फ पांच ये पांच कंपोनेंट है इसके ईसीजी के आपसे बोला गया था ना कि आपको इसके डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट्स बताने हैं तो आपको नहीं लगता कि यहाँ पर आपको कोई पांच सेगमेंट दिखाई दे रहे हाँ पांच से याद आया कोई पांच सेगमेंट दिखाई दे रहे क्या अरे नहीं यार मैम इसको तो मत भेजो इसे तो रहने दो इसे रख लेते हैं अपन अपने पास ठीक है इसे रख लेते हैं अपन अपने पास कैसे रखेंगे छुपा के सब से छुपा के इधर उधर से इसको रखेंगे छुपा के नजर से बहुत दूर नहीं लग रहा लग रहा है ना इसको पास बुलाओ इसको पास बुलाओ बहुत दूर हो तुम पास में जाओ ऐसे और और और, और, और. ऐसे हाँ अभी ठीक लग रहा है अभी ठीक लग रहा है चलो भाई हो गई सजावट चलो आते हैं पढ़ने पे एक टिपिकल ह्यूमन इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम के पांच वेव्स होते हैं देखो पांच से शुरू हुई थी कहानी है देखो पांच कौन पांच पी क्यू आर एस टी हा डब्ल्यू एक्स वाई पी क्यू आर एस टी देखो यहां पर यह पी आर एंड टी वेव्स आर द बेस लाइन इन में जब आप इन वेव्स को देखोगे ना पी आर और टी को ये बेस लाइन के ऊपर होती है अभी देख के आए हो ना इसी बेस लाइन एंड कहोगे, कहोगे. किस -किस को बोलना है लिख लेते है? भाई मुझे तो पूरा भरोसा है यार ये चीजें ना लिख लेते हैं एक जगह वरना फिर आप क्या होते हैं हो? कंफ्यूज ये कैसी है पॉजिटिव रीजन कि भाई ये सब लाइन के बेस लाइन के ऊपर तो दे आर पॉजिटिव

मैम ये बेस लाइन के नीचे होंगी ये बेस लाइन के नीचे होंगी एंड द पी वेव इज ऑफ एट्रियल ओरिजिन द आर ऑफ वेंट्रिकुलर ओरिजिन पी वेव जो है वो एट्रियल ओरिजिन की है और क्यू आर एस टी वेंट्रिकुलर ओरिजिन की है क्या बताओगे कि यहां से पी वेव किसकी है पी वेव जो है वो एट्रियल ओरिजिन और क्यू आर एस टी वेंट्रिकुलर ओरिजिन की हैं ठीक है चलो आगे बढ़े आगे बढ़े मैम ये आंसर काहे खत्म नहीं होता अरे इसके कंपोनेंट्स खत्म होंगे आंसर खत्म हो जाएगा और क्या चलो कंपोनेंट्स देखो और नेक्स्ट हम्म नेक्स्ट देखो ए पार्ट में और बी पार्ट में क्या एक्सप्लेन कर रहे हैं पी वेव इंडिकेट्स एट्रियल डिपोलराइजेशन क्यों आपने कहा कि पी वेव एट्रियल ओरिजिन की है क्योंकि वो एट्रिया के कॉन्ट्रेक्शन को ही रिप्रेजेंट करती है

Q R wave is preceded by the ventricular contraction. Q R wave किस तरफ जा रही है ventricular contraction and it represents the spread of impulse of contraction from the AV node to the wall of ventricle. ये क्या represent करेगी के contraction का impulse जो है वो A V node से ventricle की walls तक पहुंच गया है और अब ventricles contract होने वाले हैं. तो it leads to the ventricular depolarization. आप क्या हो जाएगा ventricular depolarization हो जाएगा किस पे कौन सी वेव पे क्यू आर वेव से आगे देन क्यू आर वेव से आगे बढ़े तो आर एस वेव आर एस रिप्रेजेंट करेगी वेंटिकुलर कॉन्ट्रेक्शन को फॉर अबाउट पॉइंट थ्री सेकेंड ऑफ अबाउट पॉइंट थ्री सेकेंड आपको याद हो अगर ये पॉइंट थ्री सेकेंड से मुझे याद आ गया आपकी कार्डियक साइकिल का कितना हमने देखा था ड्यूरेशन किस किस को याद है कार्डियक साइकिल का ड्यूरेशन हमने देखा था 0.8 सेकंड्स एक कार्डियक साइकिल का ड्यूरेशन था 0.8 सेकंड मजा नहीं आया ना मजा नहीं आया मुझे तो नहीं आया ऐसे आएगा देखो मजा 0.8 सेकंड अब आया मजा

इस फेज में वेंट्रिकल्स रिलैक्स होते हैं नॉर्मल स्टेट पर वापस आ जाते हैं जॉइंट डायस्टोल जिसे आप कहते हो कंप्लीट कार्डियक डायस्टोल जिसे आप कहते हो ठीक है यह कंडीशन यहां पर डेवलप होगी और फिर से स्टार्ट होगी नई साइकिल टी वेव रिप्रेजेंट कर रही है वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन को टी वेव रिप्रेजेंट कर रही है वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन को समझ आ रही है क्या बात बताओ इस तरीके से आपने इन सेगमेंट्स को पढ़ा कौन-कौन से सेगमेंट्स को देखो पांच सेगमेंट आपने P wave, wave, ठीक है है सबसे पहले P wave, then QR, RS, ST, ये कॉम्प्लेक्स हुआ आपका एंड देन टी पर आप आए ठीक है सारे सेगमेंट्स यहां से आपको क्लियर हुए और आई थिंक आपको ये सारे क्वेश्चंस और इनके आंसर्स समझ में आए होंगे कॉन्सेप्ट हमारे सारे पढ़े हुए थे बट स्टिल हमने एक बार फिर से सारे concepts को समझा है पूरा रिवाइज किया है और इसी के साथ आपके एक्सरसाइजेस कंप्लीट होते हैं इस चैप्टर के अब हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे क्या नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे एक नए चैप्टर को स्टार्ट ओके ह्यूमन फिजियोलॉजी के दो चैप्टर आप कंप्लीट कर चुके हो ट करने के बाद हम प्लांट पर आएंगे जैसा कि आप लोग चाहते थे पहले इसे पढ़ना ठीक है आप लोग को क्या करते रहना है कि भाई जो क्वेश्चन प्रैक्टिस हम कर रहे हैं जिन चैप्टर्स की वो तो आपको करते ही रहना है लाइव सेशन आपको डेली मिल रहे हैं लेकिन 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 चैप्टर्स को रिवाइज करके आना है उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के सेशन में बिना आपके रिविजन के आपको ना क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने में मजा आएगा ना ही आप उसे कंप्लीटली यूटिलाइज कर पाओगे उस टाइम को जो आप दे रहे हो सेशन को देखने में अगर आप चैप्टर को रिवाइज करके जा रहे हो तो ही लाइव सेशन में आप उनके आंसर सही दे पाओगे और आप सेल्फ एनालिसिस कर पाओगे कि वो चैप्टर आपका कितना प्रिपेयर हुआ है आपको वो कॉन्सेप्ट कितने क्लियर हैं अभी भी कितना आप उसे याद रख पा रहे हो क्योंकि कंप्लीट किए हुए जिन्हें हमें टाइम हो चुका होता है हम उन्हीं को क्वेश्चंस पे प्रैक्टिस कर रहे हैं ताकि आप नया भी पढ़ते रहो और पुराना भी रिवाइज करते रहो ये हमारी ज्वाइंट अप्रोच चल रही है इस अप्रोच को आप प्रॉपर यूज करें एग्जाम्स बहुत पास है शीट आ गई है 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 वक्त बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना है, ठीक है ना वक्त बिल्कुल भी जाया नहीं करना है मैम ये ज्यादा सूट कर रहा है ओके okay, चलो अब आपको पता है मैं क्या बोलने वाली हूं भाई फटाफट से जाओ रिवाइज करो प्ले सेक्शन देखो प्ले में सारे सिर्फ बायो ही नहीं सारे के सारे चैप्टर्स सारे के सारे सब्जेक्ट किंडर से लेकर क्लास ट्वेल्थ तक सब कुछ अवेलेबल है एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट चाहे कोई भी बोर्ड हो आपका सीबीएसई यूपी बोर्ड सारा 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 का मटेरियल अवेलेबल है फ्री ऑफ कॉस्ट सिर्फ इतना ही नहीं अगर आप चाहते हो ई बुक्स एंड ई नोट्स को अवेल करना लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और इसके अलावा प्रीवियस ईयर पेपर सैंपल पेपर्स और एडिशनल पेपर्स भी आपको सारे के सारे यहाँ पर मिल जाएंगे विद कंप्लीट सॉल्यूशन ओके चलो सब कुछ अवेल कर लो भाई वक्त बिल्कुल भी जाया ना करो अब जो टाइम है वो बहुत प्रीशियस है तो सिर्फ प्रिपरेशन में टाइम दो बाकी सारी चीजों से कट ऑफ हो जाओ एक दो महीने पूरा फोकस हो जाओ कुछ नहीं जाएगा सिर्फ जो अच्छा रिजल्ट बन के आएगा ना उससे बेटर बेटर चीजें ही मिलेंगी जाएगा कुछ नहीं सिर्फ अचीव होगा ओके तो चलो हो जाओ फोकस मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नए चैप्टर के साथ टिल दैन बाय बाय टेक केयर एव